News 18, India. One and two. जी. के चिराग देखकर मेरा, के चिराग देखकर मेरा बहुत मचल रही थी हवा. हाँ, चिराग देखकर मेरा बहुत मचल रही थी हवा. कई दिनों से तेज चल रही थी हवा. कई दिनों से तेज चल रही थी हवा. वाह, क्या बात है नीति जी. अब कौन था बिल्कुल भी हो चांस. बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के. हाँ. बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के. उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी कि रुख बदल रही थी हवा. क्या बात है. आज जो कांग्रेस छोड़ो और गठबंधन तोड़ो यात्रा चल रही है पाजी, पूरा सस्पेंस 2024 के चुनाव का खत्म हो चुका है. पूरा मैच वन साइडेड हो चुका है. पूरा देश जानता है कि लहर किस तरफ है. और 370 चुनाव लड़िए आप. ये अभी प्रेडिक्शन ना दीजिए, ज्योतिष जी वाली प्रेडिक्शन. चुनाव लड़िए आके. देखिए, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो हार के. अभी तो आए नहीं मैदान में, जब आएंगे तब आएंगे. कंपैरेटिव एनालिसिस करिए 2014 से पहले की और 2014 के बाद आज 2024 की. बिल्कुल आंकड़े बहुत बदल चुके हैं. कांग्रेस की जो राजनीति चली है वो उग्रवाद और अलगाववाद को से देश को जलाने की चली है. भ्रष्टाचार से देश को भुनाने की चली है. परिवारवाद को पालने की चली है और तुष्टीकरण को साधने की चली है. ठीक है, आई एम टेकिंग यू परफेक्टली. जी जनाब अली बोलिए. सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को प्रभु ने भेजा है. अरे देखिए साहब, एक बात बात सुनिए. मतलब डिबेट में हिस्सा लीजिए, वो बाकी सब होता रहेगा. डिबेट में हिस्सा लीजिए. वो तो आप तो सीधे सीधे एक ही सेंटेंस में पूरा खत्म कर देंगे डिबेट मेरी. आराम से रहिए. हाँ सर, प्रभु ने भेजा है मोदी जी को. और आपने देख लिया ये बात, ये आप भी देख पाए. एकदम दिख रहा है. अच्छा अच्छा, एकदम दिख रहा है सर. ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा. मेरा 62 की एज है जी. मैंने नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक. और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए और हिंदू धर्म का जो रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म, हिंदू जब ठीक है. वो तो चार बार आपने हिंदू बोल दिया जी. अभी आपको बोलना है, मैं दो मिनट दीजिए. पर मैं तो बाकी लोग रह जाएंगे ना, बाकी लोग रह जाएंगे. समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी. आप बिल्कुल भी चांस जी. अंदर से मैलो हृदय. आगे आ जाओ मैलो हृदय. आप ही का इंतजार था. अंदर से हाँ, अंदर से मैलो हृदय. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा है कि मोदी जी बिल्कुल भगवान है. इन्होंने अंदर से देख लिया मैलो हृदय है. ये बिल्कुल दोनों लोग एक ही पटरी पे हैं. अब देखो, समझ लेंगे समझ वाले. अंदर से मैलो हृदय. हाँ। बाहर रूप अनेक. हाँ। नारायण तासो भलो कौआ रूप अनेक. भले इससे बढ़िया था कौआ का तन है. अंदर बाहर पता तो है कि कम से कम काला है. हाँ। लेकिन ये बाहर से उजले दिख रहे हैं. हाँ। लेकिन अंदर से काले हैं. अब ये लग रहा है कि 2014 के बाद से ये हवा चलनी शुरू हुई है और जो सांस लेनी हमने शुरू की है. हाँ। वो 2014 के बाद ही की है. हाँ। अब IT हो, ED हो, कुछ भी हो, ये लोग अब आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं. लेकिन लोग कह रहे सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है. अरे सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपने कल देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर तमाचा मारा कि इन्होंने जो मनी जो बिल लाए थे उसको उसके रूप में जो इन्होंने बॉन्ड जो लाए इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें क्या हेरा फेरी की कि 5500 करोड़ रुपए कंबल ओढ़ के पी गए. देखो बताने वाले भी बहुत अच्छा बताते हैं कि कंबल ओढ़ के पी गए. उसमें है ये कि भैया ने खरीद लिया 1000 रुपए का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड खरीद सकते हैं. 1 करोड़ का भी बॉन्ड खरीद सकते हैं. और इनकी पार्टी है फला पार्टी जो कि 1% से ज्यादा पिछले चुनाव में वोट मिला उसको दे सकती है. लेकिन इनको भी टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा, इनको भी डिडक्शन का वो जो है फायदा मिलेगा. और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी. अब इसमें यह कहना कि वो पी गए, ये शब्द तो एतराज. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉर द ट्रांसपेरेंसी. और दूसरी बात उन्होंने बोली कि इस तरह से लेने से देनदारी क्या बनती है, ये भी एक फैक्ट है. मैं बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूं. वन बाई वन शर्मिष्ठा. मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया वो रिश्वतखोरी का वैध तरीका कर दिया. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा. राइट, चलिए बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा. और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता की जीत है. पारदर्शिता होनी चाहिए पॉलिटिकल फंडिंग में. लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, क्या सिर्फ बीजेपी ही ले रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स? क्या कांग्रेस ने नहीं लिए? क्या TMC ने नहीं लिए?
तो ये सवाल इनके ऊपर भी है, अगर पारदर्शिता की बात करती तो इन्होंने क्यों लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर उसमें कोई भी घपला था इन्होंने क्यों लिए, सिर्फ आरोप क्यों लगा सकते हैं? जी जी, मैं एक गुप्ता जी, अगर थोड़ा सा समय हो, आप संयम हो आपके पास, तो मैं कांग्रेस को दे दूं एक बार। हाँ, दे दो जी, बिल्कुल जी, त्यागी अगर हमारे गिरिबान में कोई भी खोट होता ना, हाँ। तो हम सूचना का अधिकार लेके नहीं आते। भिल्कुल। इन्होंने सूचना के अधिकार को मार के ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेके आए, हाँ, उसकी विल के अगेंस्ट है ये, कहा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, असंवैधानिक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सही बात तो ये है, असंवैधानिक है और आरटीआई के अगेंस्ट है। ये छुपाना चाहते थे कि कौन कौन सी शेल कंपनी और इनके करोड़पति मित्र इनको चंदा दे रहे थे और कैसे उसमें क्विड प्रो को हो रहा था, कैसे उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था सरकार के द्वारा। दूसरी बात, मेरी बहन ने 2014 से पहले की बात करी, 2014 से पहले ऐसे वादे किए गए थे और 2024 की क्या तस्वीर है उस पर मैं भी दुष्यंत कुमार जी को याद करते हुए दो लाइन पढ़ देता हूं। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए, चलो चले उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। जी गुप्ता जी, संयम नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल है संयम, खड़े रहिए फिर, संयम का इम्तिहान दीजिए आज जी, इधर आइए अमित जी, यहां जी।